और उस डंडे पर ये तीन छत्र घूम सकते हैं लेकिन हिल नहीं सकते, क्योंकि डंडा स्थिर रहेगा तो फिर छत्र हिलेंगे नहीं, ये उसका छत्र का क्रम है। और फिर श्रावकाचार संग्रह में अथवा किसी प्रतिष्ठा पाठ में, दोनों से कहीं एक स्थान पर यह उल्लेख मिलता है कि छत्र मनुष्यों की नासिका के आकार में क्रम को प्राप्त होते हैं। क्रम को प्राप्त होने का मतलब यह है कि जैसे अपनी नासिका यहां ऊपर से सक्रिय होती है और नीचे चौड़ी होती है, उसी प्रकार सबसे ऊपर वाला छत्र थोड़ा छोटा होता है, बीच वाला उससे बड़ा होता है और नीचे वाला सबसे बड़ा होता है, ऐसा क्रम है छत्रों का। तो छत्र अगर आप व्यवस्थित कर दो मंदिर के, देखो तो मंदिर में कुछ चीजों पर अगर अपन ध्यान दें तो पूरे समाज और नगर का वातावरण मंगलमय हो जाता है। ज्यादा कहीं जाकर ज्योतिष बाबा के पास जाकर कोई कुछ दक्षिणा देकर बहुत लंबे चौड़े काम करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ मंदिर की कुछ बातों का अगर आप सुधार कर लें तो फिर बहुत अद्भुत वातावरण बन जाता है। और फिर उस वातावरण के बाद देखो आपको धर्म की आराधना में कितना आनंद आता है, आप खुद बताना। एक तो मंदिर के प्रांगण में जहां तक मंदिर के शिखर की छांव पड़ती है वहां तक विषय कषाय का वातावरण नहीं होना चाहिए, कि खास जानकारी की बात है, जिनको लिखना हो लिख लेना। तो मंदिर के शिखर की छांव जहां तक पड़ती है वहां तक विषय कषाय नहीं होने चाहिए। और शिखर की छांव 9 बजे के बाद और शाम को 3 बजे के पहले किसी के घर पर नहीं पड़नी चाहिए, उसका अनर्थ हो जाएगा। जिसके घर पर मंदिर की छांव सवेरे 9 बजे के बाद और शाम को 3 बजे के पहले तक पड़ती है उसके घर में कभी सुख शांति नहीं होती। और ऐसी बहुत सारी बातें, लंबी लिस्ट हो जाएगी वो बताने में, आज समय भी कम है। और इसके अतिरिक्त मंदिर में भगवान की आभा जो है वो जितना अच्छे ढंग से विस्तृत हो उतना ही समाज लाभान्वित होती है। यानी भगवान का तेज कभी भी तिरोहित नहीं होना चाहिए मंदिर में। जैसे नीचे वाले जो भगवान है आदिनाथ प्रभु, उनका तेज कहीं पर अवरुद्ध होता है, यदि वो अवरोध निकल जाए तो आप तत्काल देख लेना, 1 हफ्ते में, 15 दिन में, 1 महीने में क्या रंगत आ जाती समाज में, वो तिरोहित हो रहा है। क्योंकि कुछ विषय कषाय की स्थितियां जो बनी है आसपास, इसको क्या है कि आप अपने स्नेह के रिश्तों में मत लीजिए, हमारा बहुत पुराना संबंध है और फिर ऐसा है वैसा है, ये सब छोड़ दीजिए। आप अपने निजी स्वार्थ तक धर्म को मत बांधिए, धर्म बहुत बड़ी चीज है, उसको स्वार्थ में, स्वार्थ को वहां आड़े मत आने दीजिए। अगर वो वातावरण, वो जो आभा जा रही है भगवान की, वो अगर विस्तृत हो जाए तो फिर क्या प्रभाव है यहाँ के मंदिर में, तो आपको मालूम नहीं है, पता नहीं मालूम है कि नहीं, 1 अगस्त से 14 अगस्त तक यहाँ पर केसर चंदन की वर्षा हुई है, और भी बीच बीच में होती है कभी कभी। केसर की वर्षा तो हुई थी, चंदन की भी। एक बार विपिन भाई से हमने बोला सूंघ के देखना जरा कैसी खुशबू आ रही, उनने उठा करके सूंघा तो फिर एकदम खुशबूदार था वो, और फिर एक बड़ा ड्रॉप हमारे कमरे के बाहर गिरा हुआ था। हमने सोचा कि इतना बड़ा ड्रॉप, जो मधुमक्खियों के जो छींटे होते हैं उन छींटों का आकार एक निश्चित आकार होता है। फिर कई बार ऐसा हुआ, ये तो हमने बताया नहीं, तो फिर आप लोग क्या है कि चमत्कार को नमस्कार वाली जनता है, तो फिर सब मूल बात को छोड़ करके फिर कहीं से कहीं भटक जाएंगे। तो नीचे वाले मंदिरों की घंटा ध्वनि कहते हैं कि यहाँ के आसपास के जैनेतर लोगों ने भी बाजू वाले फ्लैट में सुनी है रात में। रात को कोई बजाता तो नहीं घंटा आप लोगों में से, लेकिन बजते हैं, सुनाई पड़ते हैं। भातकुले में भी ऐसे ही होता था, भातकुले में घंटे ही नहीं थे तब बजते थे, बिना घंटों के घंटे बजते थे, वो तो पूरा स्पष्ट देवातिशय था वहां पर। यहां भी है,
लेकिन इसको आप मतलब तिरोहित मत करिए, आप जिम्मेदारी से अगर काम कर रहे हैं। सुधा सागर महाराज जी कहते हैं कि अगर जिम्मेदारी से काम करते हो तो करो, नहीं तो छोड़ो, काहे के लिए जबरदस्ती पकड़े हुए हो, छोड़ दो। सुधा सागर महाराज जी थोड़ा कड़क बोलते हैं, बोलने में कड़क है, दिल में कड़क नहीं है। तो उन्होंने ऐसा बोल दिया था एक बार कि अगर काम करना है तो संभालो, और नहीं कर सकते तो फिर वो जिम्मेदारी मत लो फिर काम की, नहीं तो उससे हित के स्थान पर निश्चित रूप से अहित होगा। तो ये सारी बातें हैं जानकारी की। ध्वजाओं के बारे में भी कहते हैं कि कुछ ऐसे मंगल मुहूर्त निश्चित कर लो, चार मुहूर्त आते हैं साल में, साढ़े तीन मुहूर्त कह लो, दीपावली का दिन भी आता है, दशहरा का दिन आता है, अक्षय तृतीया है, फिर एक महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा का दिन भी माना जाता है अच्छा मंगलमय, चैत्र शुक्ला एकम, तो इन दिनों में या फिर और कोई त्योहार के दिनों में आप जब ध्वजा जीर्ण हो जाती है, ध्वजा जीर्ण अगर लगी रहे बहुत समय तक लगी रहे तो उससे ये सूचना मिलती है कि समाज की लक्ष्मी नष्ट हो रही है। वो लक्ष्मी के विनाश का सूचक चिन्ह है। ध्वजा जर्जरित है तो समाज की आर्थिक स्थिति भी निश्चित जर्जरित होगी, ध्वजा बिल्कुल निर्मल और उज्जवल होनी चाहिए, उसमें जो साथिया बना हो वो साथिया भी बिल्कुल व्यवस्थित हो। मान लो उत्तर दिशा की ओर हवा चल रही है तो साथिया पूर्व दिशा की ओर शोभायमान होना चाहिए। तो ऐसी सब बातें हैं, ये आप किसी अच्छे प्रतिष्ठाचार्य हसमुख जी या फिर और भी कोई बड़े बड़े प्रतिष्ठाचार्य जो बिल्कुल आगम के अनुसार ही आपको बता सकते हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं। कितनी सुंदर जानकारियां हैं इस विषय में। और इसी प्रकार ध्वजा का कलश से टकराना भी अनिष्टकारी है, समाज में टकराव बना रहता है, आपस में एकता नहीं बन पाती। कलश भी सुंदर होना चाहिए, शिखर पर कभी भी कालीमा नहीं आनी चाहिए। शिखर पर कालीमा आने का मतलब यह है कि आपकी बुद्धि कलुषित रहेगी, समाज की जो मति है वो विषय कषायों में ज्यादा जाएगी, धर्म की ओर झुकेगी नहीं। ऐसी पचासों बातें अब हम कितनी बताएं आपको, इतना ही समझ लो। और इससे जो कुछ भी आपको करना है आगे कर सकते हैं, क्योंकि समय तो सबके पास निकल जाता है, कुछ चाय पीने का जैसे टाइम मिलता है, नहाने के लिए समय निकाल लेते, खाने के लिए और भी दुनिया भर के काम करने के लिए टाइम निकालते हो, तो कुछ काम ऐसे कामों के लिए भी समय आप निकाल करके, जो विशेष जिम्मेदार लोग हैं वो इसका जल्दी से जल्दी निवारण कर ले और फिर देखें ना क्या परिणाम होता है। हमने तो आपसे यहां तक कहा कि अगर परिणाम ना दिखे आपको तो फिर वापस काला कर देना, आप वापस जैसा था वैसे ही कर देना, जो दुर्दशा थी वो वापस वैसे ही कर देना अगर आपको लाभ ना हो तो। लेकिन देख लेना, जो शास्त्र के वचन होते हैं वो मिथ्या तो हो नहीं सकते, और जिनवाणी पर अगर आपकी आस्था हो तो फिर विलंब करने का आप कोई काम नहीं है, क्योंकि समय अब चातुर्मास का 15 दिन बच जाता है शरद पूर्णिमा के बाद। आज तो ठीक है 16वां दिन समझ लो, ऐसे उल्टी गिनती में 16वां दिन है समझ, 1 तारीख को, तो वो दीपावली के दिन निष्ठापन होता है वर्षा योग का। वर्षा योग में करना हो तो उस समय करो, नहीं बाद में करना हो तो कभी करना, 3 साल बाद करना हो तो तब सही। आपको अगर इतना भरोसा हो अपनी आयु पर और फिर सब जीवन पर, आपको जब दिखाए, लेकिन देख लेना, आप सोच लेना, इसको करने का हमारा आदेश नहीं है, ये आप याद रखना, क्योंकि हम लोग इन कार्यों में विशेष इन्वॉल्व नहीं हो सकते। सिर्फ आपके हित के लिए इतना संकेत देना हमारी सीमा है, और उसको पालना या ना पालना ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो इन 8 प्रातिहार्यों के साथ भगवान पार्श्वनाथ स्वामी की स्तुति की है। अब एक झलक अपन भक्तामर स्तोत्र में जो प्रातिहार्यों का चित्रण है और प्रातिहार्यों के साथ जो भगवान की स्तुति है उसका तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं, बहुत मजा आता है। भक्तावर में किस प्रातिहार्य का कैसा वर्णन था और इसमें कैसा वर्णन है, दोनों को देख लेते हैं। 19वें काव्य में अशोक तरु का है, वैसे भक्तावर में 28वें काव्य में है अशोक तरु का।
भक्तावर स्तोत्र में क्या कहा, उच्चैर अशोक तरु संश्रित मुन्मयूख मा भाति रूप ममलम भवतो नितांतम स्पष्टोल्लसत किरण मस्त तमो वितानम बिंबन रवे रिव पयोधर पार्श्ववर्ती। प्रकृति के दृष्टांत लिए प्रक्तामर में आचार्य भक्त मानतुंग स्वामी ने। तो ऊंचे अशोक तरु के नीचे संश्रित यानी विराजमान और उन मयूख उठती हुई किरणों वाला भवतो रूपम आपका रूप, नितांतम आभाति अत्यंत शोभित होता है। किसके समान शोभित होता है? और भगवान का रूप कैसा है? एक विशेषण और दिया है, अमलम, अमल का अर्थ उज्ज्वल, अत्यंत शोभित होता है। तो दृष्टांत प्रकृति से लेकर के कहा कि उस सूर्य के समान शोभित होता है। किस सूर्य के समान? पयोधर पार्श्ववर्ती, जिसके पास कोई बादल है, बादल ऊपर हो और सूर्य नीचे जगमगा रहा हो, तब जो छटा बिखरती है, तब जो प्रकृति की सुंदरता नजर आती है। बस अशोक वृक्ष ऊपर हो और नीचे भगवान विराजमान हो तो सूर्य जैसे तेजस्वी भगवान बस वैसे ही लगते हैं। और सूर्य के विशेषण कौन से दिए? स्पष्टोल्लसत किरणम, स्पष्टतः उल्लसित है, शोभित है किरणें जिसकी। और कैसा है सूर्य? अस्त तमो वितानम, अस्त कर दिया है, तम का वितान यानी विस्तार जिसने। अब इसमें देखिए अशोक तरु का कैसा चित्रण है कि धर्मोपदेश के समय सविधानुभावात निकटता के प्रभाव से, यानी अशोक वृक्ष आपके पास होता है ना, तो आपके निकट होने के कारण अशोक भवति। वृक्ष का नाम अशोक नहीं है। जिस वृक्ष के नीचे भगवान समावसरण में विराजमान है वो वृक्ष अशोक नाम की वनस्पति नहीं है। अशोक वृक्ष आप जानते हैं, आशा पालव, यहाँ क्या बोलते हैं आप लोग, आशोक पालव, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन समावसरण में जिस वृक्ष को अशोक कहते हैं वो अशोक वृक्ष नहीं है। वो उस वृक्ष की प्रतिछवि है जिसके नीचे भगवान ने केवल ज्ञान पाया था। पार्श्वनाथ भगवान ने बांस के वृक्ष के नीचे, महावीर भगवान ने शाल वृक्ष के नीचे, आदिनाथ भगवान ने वट वृक्ष के नीचे, अलग अलग तीर्थंकरों ने जो केवल ज्ञान, किसी ने नाग केसर वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान प्राप्त किया। चंपक, चंपक जानते हैं ना आप लोग, क्या बोलते हैं, यहाँ पर रास्ते में हम लोग जाते हैं सवेरे तो फिर उसकी खुशबू पूरे रास्ते में फैली रहती, उसके नीचे भी केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है कुछ तीर्थंकरों को। अब आप ये मत सोचना कि खुशबू लेते लेते केवल ज्ञान हो गया, विषय कषायों में नहीं होता केवल ज्ञान। तो उसकी प्रतिछवि होती है, पर उसको अशोक वृक्ष क्यों कहते हैं? तो यहां आचार्य कुमारचंद स्वामी कहते हैं कि हे पार्श प्रभु, सविधानुभावात आपके करीब होता है इसलिए उसको अशोक वृक्ष कहा जाता है। वो वृक्ष अशोक वृक्ष नहीं है, लेकिन आपके पास होने के कारण आपके प्रभाव से वो वृक्ष अशोक बन जाता है। तो फिर जो मनुष्य आपके चरणों में आएंगे क्या वो अशोक अर्थात शोक रहित नहीं होंगे? तो मनुष्यों की तो बात, जब पेड़ अशोक हो गया तो मनुष्यों की तो बात दूर रही, बोले वो तो आसानी से अशोक हो जाएंगे, वो तो निर्वाण तक को प्राप्त कर सकते हैं अगर रास्ता पकड़ ले। तो दृष्टांत दिया कि जब सूर्य का उदय होता है तब वृक्ष सहित सारा जीव लोक अर्थात सारी पृथ्वी जागृत हो जाती है, पेड़ों के साथ साथ सब मनुष्य आदि भी जागृत हो जाते हैं। फिर इसके आगे पुष्प वृष्टि प्रातिहार्य, तो पुष्प वृष्टि प्रातिहार्य का भक्तामर स्तोत्र में
मंदार सुंदर नमीर सुपारी जात संतान कादि कुसुमोत कर वृष्टि रुद्घा रुद्घा, ये हमने पहले बतलाया था कि रुद्धा नहीं बोलना, रुद्घा घ घर वाला। गंधोद बिंदु शुभ मंद मरुत प्रपाता दिव्या दिवह पतति ते वच शांत तिरवा। वहां पर उत्प्रेक्षा का चित्रण अलंकार लगाते हुए आचार्य मानतुंग स्वामी कहते हैं कि मंदार, ये मंदार एक पौधा होता है, यहाँ भी मध्य लोक में पाया जाता है, लेकिन ये जो नाम दिए हैं ये सब कल्प वृक्षों के फूलों के नाम दिए हैं। मंदार को गुजराती भाषा में आंकड़ी बोलते हैं। हनुमान मंदिर में जो फूल चढ़ाए जाते हैं वो मंदार फूल होते हैं, और उसके जो पेड़ की जो छाल होती है उसको राल बोलते हैं। राल नाम सुना, उससे हेयर ऑयल्स बनते हैं, मतलब सिर में लगाने वाले तेल, बाल बाल काले रहते हैं उससे, उस तेल को लगाने से। तो वो बिल्कुल अकौवे जैसा होता है, आंकड़े जैसा होता है, लेकिन अकौवा जो होता है उसमें कुछ बैंगनी रंग होता है और मंदार पूरा सफेद होता है। तो ये देवलोक जो फूल बरसाते हैं वो फूल तो कल्प तरुओं से लेकर के आते हैं वहां स्वर्गलोक से, तो मंदार का पुष्प है। फिर सुंदर नमेरु, सुंदर नमेरु यानी सुंदर विशेषण हो गया, और नमेरु का अर्थ होता है रुद्राक्ष। तो सुंदर रुद्राक्ष के फूल भी वहां से बरसाते हैं, वो भी वहां कल्प वृक्ष वाले रुद्राक्ष है, यहां वाले रुद्राक्ष नहीं। यहां क्या डुप्लीकेट भी आते हैं कुछ जो दाने आते हैं रुद्राक्ष के वो नकली भी आते हैं, एक भद्राक्ष और एक दूसरा रुद्राक्ष। भद्राक्ष जो होता है वो पानी में तैरता है, रुद्राक्ष पानी में डूबता है, ऐसा कुछ अंतर होता है उन दोनों में। दिखने में बिल्कुल लगभग समान होते हैं। नेपाल नरेश के बगीचे में एकाक्षी रुद्राक्ष भी उपलब्ध है। तो वो रुद्राक्ष के फूल भी बरसाते हैं। और सुपारिजात, सुंदर जो पारिजात फूल होता है वो भी बरसाते हैं। संतानक, संतानक भी एक बहुत अच्छा फूल होता है, बाकी अपने को यहाँ का कुछ पता नहीं है, लेकिन ये सब कल्प वृक्षों के पुष्प, इन फूलों की संतानक आदि आदि शब्द से और भी बहुत सारे कल्प वृक्ष हैं फूल संबंधी। तो देवों के उन नंदन वनों में जो पुष्प होते हैं उनकी वृष्टि ही उद्घा उत्कृष्ट वृष्टि दिवह पतति आसमान से गिरती है। कैसी होती है वो? गंधोद बिंदु शुभ मंद मरुत प्रपाता, उसके साथ सुगंधित उद बिंदु यानी जल कण, सुगंधित पानी की बारीक बारीक बूंदे पुष्प वृष्टि के साथ ऊपर से नीचे आती है। और शुभ मंद मरुत प्रपाता, जो उनका प्रपात होता है वो बरसात जो गिरती है, तो जैसे मूसलाधार बारिश गिरती है ना, तो उस समय ऐसा लगता है कि छोटे छोटे नल चालू हो गए हों बाहर। जब बहुत भयंकर बारिश होती है तो ऐसा देखने से लगता है कि ये नल खुले हों बहुत सारे, हजारों लाखों नल चालू हो गए हों, लेकिन वैसी वर्षा नहीं होती पुष्पों की। किंतु शुभ, शुभ का मतलब शुभ मरुत और मंद प्रपात, ऐसा समास का विग्रह करना पड़ेगा। शुभ का संबंध मरुत के साथ, मरुत यानी वायु, प्रशस्त वायु, और मंद प्रपात होता है उस बार पुष्प वृष्टि का। प्रशस्त वायु का मतलब वहां जो वायु रहती है मंद सुगंधित वायु, तो उस वायु के दबाव के कारण जो फूलों की वर्षा होती है वो चारों दिशाओं से, जो देव फूल बरसाते हैं अपने विमानों से, वो फूल सारे उड़ते हुए भगवान के करीब आते हैं। और मंद प्रपात का मतलब ये है कि वो एकदम जोर जोर से गिरते नहीं है भड़ा भड़, बल्कि एकदम धीरे से, ऐसे स्लो मोशन में जैसे फिल्मों में दिखाते ना लैंडिंग, ऐसे धीरे से उतर रहे हैं ऐसे, तो वैसे ही वो फूल नीचे आ जाते हैं। और उद्घा, उद्घा का मतलब होता है कि वो ऐसे ऊपर मुंह किए हुए रहते हैं, उत्कृष्ट होती है वो पुष्प वृष्टि, ऐसे जैसे शादियों में फूल बरसते हैं या कभी कोई शोभा यात्रा निकलती है तो फिर ऊपर दरवाजे पर खड़े होकर के लोग ऐसे फूल बिखराते हैं, तो वो ऐसे उल्टे सीधे आड़े टेढ़े सब प्रकार से गिरते हैं। लेकिन ये जो पुष्प वृष्टि होती है ये सारे फूल ऊपर की तरफ होते हैं। भगवान के चरणों में गिरने वाला अधोमुखी कैसे हो सकता है, यानी वो आत्मा नीचे की तरफ कैसे जा सकती है,
ऊपर ही उसकी गमन गति होती है। फिर यहाँ पर देखिए पुष्प वृष्टि कैसी है। विभो चित्रम, हे प्रभु, हे पार्श्व जिनेन्द्र, चित्रम, ये बड़ी विचित्र बात है कि विश्वक, विश्वक यानी सब तरफ से अविरला, अविरला माने निरंतर सुर पुष्प वृष्टि ही पतती, देवों के द्वारा छोड़ी हुई जो पुष्प वृष्टि है वो पतती, गिरती है, पुष्पों की वर्षा पड़ती है, होती है। लेकिन कथम अवांग मुख वृंतमेव, ये बात आश्चर्यकारी है कि वो अवांग मुख, ऊपर की तरफ मुख करके नीचे की तरफ डंठल किए हुए कैसे गिरती है। नीचे उसके जो फूलों के जो बंद होते हैं ना, नीचे गांठ, वो नीचे और फिर ऊपर मुंह होता है उनका, कथम ये कैसे होता है, ये आश्चर्य की बात। फिर दृष्टांत दिया कि यदि वा मुनीष, अथवा हे मुनीष, मुनियों के ईश, मुनि का अर्थ अवधि मन परे और केवल ज्ञान के धारी, उनके ईश यानी तीर्थंकर भगवान, तो हे मुनीष, त्वद गोचरे, आपके समीप सुमनसाम बंधनानी नूनम अध एव ही गच्छन्ति, जो सुमन है उनके बंधन नियम से नीचे की तरफ ही जाती हैं, वो सारे बंध जो है वो नीचे की तरफ ही जाते हैं। नीचे की तरफ जाने का मतलब नीचे गिर जाते हैं बंधन, जैसे कि कोई बेड़ियों से बंधा हो और बेड़ियां टूट जाए तो कहां जाएगी बेड़ियां, किसी को लगेगी नहीं, वो नीचे गिरेगी सीधे धरती पर। उसी प्रकार जो सुमन है वो जब भगवान के करीब आते हैं तो उनके बंधन नीचे की तरफ चले जाते हैं, ये भगवान की निकटता का प्रभाव है। फिर इसी में श्लेष अलंकार के द्वारा आचार्य कुमुद चंद्र स्वामी कह रहे हैं कि हे भगवान, सुमन, सुमन का अर्थ पुष्प होता है और सुमन का दूसरा अर्थ सुंदर मन वाला भी होता है। तो सुंदर मन वाला अगर कोई आपके करीब आ जाएगा तो उसके भी बंधन नीचे गिर पड़ेंगे, यानी उसके पाप नष्ट हो जाएंगे, ये इसका तात्पर्य। इसके बाद फिर जो प्रातिहार्य था दिव्य ध्वनि, तो दिव्य ध्वनि में आचार्य मानतुंग स्वामी भगवान पर आदिनाथ स्वामी की स्तुति करते हुए क्या कहते हैं, कौन सा काव्य है वो, 35वां काव्य है, स्वर्गाप वर्ग गम मार्ग विमार्ग निष्ठ है, सबसे ज्यादा रेफ है इस पंक्ति में पूरे भक्तावर स्तोत्र में, स्वर्गाप वर्ग गम मार्ग विमार्ग निष्ठ, चार रेफ इसी पंक्ति में केवल, बाकी अधिक से अधिक तीन मिलेंगे आपको कहीं भी देखोगे तुम, निर्धूम वर्तिर अपवर्जित तैल पूरे, यहां तीन मिलेंगे लेकिन यहां चार है। तो स्वर्गाप वर्ग गम मार्ग विमार्ग निष्ठ है, स्वर्ग और अपवर्ग यानी मोक्ष का गम मार्ग, वहां गमन करने का जो मार्ग है, स्वर्ग और मोक्ष जाने का रास्ता, उसको विमार्गनिष्ठ, जो विमार्गण कर रहे हैं अर्थात उस मार्ग को जो ढूंढ रहे हैं, जिनको रास्ता नहीं मिल रहा है स्वर्ग मोक्ष जाने का, उनके लिए दिव्य ध्वनि ही, भगवान की जो दिव्य ध्वनि है आदिनाथ भगवान की, वो इष्ट इष्ट है, यानी वो दिव्य ध्वनि उनके लिए हितकारी है जिनको रास्ता नहीं मिल रहा है स्वर्ग मोक्ष का। और कैसी है दिव्य ध्वनि, त्रैल सद्धर्म तत्व कथनैक पटु त्रिलोक्या, त्रिलोक्या तीनों लोक के लिए सद्धर्म तत्व कथनैक पटु, सच्चे धर्म का तत्व यानी स्वरूप मर्म को कथन करने के लिए, यानी सच्चे धर्म का मर्म बताने में एक पटु अद्वितीय कुशल है दिव्य ध्वनि। अब एक पटु का मतलब ऐसी कोई वाणी नहीं हो सकती जो दिव्य ध्वनि की बराबरी कर सके। वैसे तो 700 लघु भाषाएं और 18 महाभाषाओं में परिणत होती है दिव्य ध्वनि, श्रोताओं के कानों में जाकर के वो उनको अपनी भाषा में सुनाई पड़ती है, ये एक बात हो गई। और दूसरी जो सबसे विचित्र बात है दिव्य ध्वनि के बारे में, वो आचार सार ग्रंथ में आचार्य वीरनंदी स्वामी ने लिखा है
कि तत्तद अभीष्ट वस्तु कथकम, सब श्रोताओं को एक सी नहीं सुनाई देती दिव्य ध्वनि, वॉल्यूम एक सा होता है। वॉल्यूम का मतलब जो उसका एम्पलीट्यूड बोलते हैं साइंस की भाषा में, सुनने में एक बराबर आएगी, सामने वाले को ज्यादा जोर से आए और पीछे वाले को कम सुनाई दे ऐसा नहीं, सबको समान रूप से सुनाई देगी। लेकिन उसकी विशेषता यह है कि वो जिसकी जितनी पात्रता है उसको वैसा ही उपदेश सुनाएगी। दिव्य ध्वनि बहुत बड़ी बात बता रहे हैं आचार्य सार ग्रंथ में। सबसे विचित्र बात यह है कि दिव्य ध्वनि सबको एक सी सुनाई नहीं देती है। आपको अगर रामायण सुनना है और बाजू वाले को महाभारत सुननी है तो दोनों को वही सुनने मिलेगा जो उनके योग्य है। जबरदस्ती आपको कर्म सिद्धांत के 10 करण नहीं समझाएंगे, उदीर्ण आपकर्षण उत्कर्षण संक्रमण आदि जो करण है वो सबको जबरदस्ती नहीं। अब सांप या फिर मोर या और दूसरे प्राणी बैठे हुए हैं, अब उनको कोई अपनी गति के योग्य कल्याण की बात सुननी है, त्रियंज गति में है वो, तो उनको इतनी सूक्ष्म चर्चाएं गोपुच्छाकार निर्जरा गुणश्रेणी निर्जरा ये सब यदि किसी की पात्रता हो तो उसके लिए निषेध नहीं है। लेकिन सबको जबरन एक जैसी बात दिव्य ध्वनि नहीं सुनाती, जिसकी जितनी योग्यता होती है उसको वही सुनने मिलता है। सबको अपने लिए इष्टोपदेश प्राप्त होता है, बहुत बड़ी विशेषता है दिव्य ध्वनि की। और कैसी होती है दिव्य ध्वनि, उसमें और कौन से गुण होते हैं, तो आचार्य मानतुंग स्वामी कहते हैं सर्व भाषा स्वभाव विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुण ही प्रयोज्य है। वो जब दिव्य ध्वनि प्रयुक्त होती है अर्थात भगवान के अंदर से दिव्य ध्वनि जब खिरती है प्रकट होती है तो उस समय इन गुणों को साथ लेकर के प्रकट होती है। कौन से गुण है दिव्य ध्वनि के, तो बोले विशदार्थ, उसका अर्थ स्पष्ट होता है, समझने में किसी को तकलीफ नहीं होगी। 8 साल का बालक भी हो तो उसको भी दिव्य ध्वनि समझ में बराबर आएगी, और बहुत मंद बुद्धि भी कोई बैठा हो वहां पर तो उसको भी दिव्य ध्वनि समझ में आएगी। विशद अर्थ स्पष्ट अर्थ वाली होती है। और सर्वभाषा स्वभाव परिणाम, सर्वभाषा में स्वभाव से ही परिणमन करने वाली वो दिव्य ध्वनि होती है, अपने आप ऑटोमेटिक सब भाषाओं में वो बदल जाती है। ऐसे गुण ही हैं, ऐसे गुणों के साथ वह दिव्य ध्वनि प्रयोज्य खिरती है। ते दिव्य ध्वनिर्भवति, ऐसी आपकी दिव्य ध्वनि होती है। अब यहां क्या कह रहे हैं, तव गिरह, आपकी गिरह माने वाणी, आपकी गिरह कैसी है, वो गंभीर गभीर हृदयोदधि संभवाया, 21वां काव्य, गंभीर हृदय रूपी सागर से उत्पन्न हुई जो आपकी वाणी है उसकी पीयूषताम, पीयूषता को जो बड़े बड़े गणधर आदि ज्ञानी जन बतलाते हैं, समुदीरियंती कहते हैं, सब इस बात को स्वीकार करते हैं, सब बोलते हैं कि दिव्य ध्वनि अमृत रूप है, तो स्थाने वो बात सही है, गलत नहीं है। दिव्य ध्वनि वास्तव में अमृतमय है। क्यों, तो आचार्य उसका समाधान कर रहे हैं कि यतः क्योंकि परम सम्मद संग भाज भव्या, अत्यंत हर्ष के संग को जिन्होंने प्राप्त किया है, यानी जो दिव्य ध्वनि को सुनते सुनते इतने हर्षित हो गए हैं कि बिल्कुल आनंद विभोर हो जाए, वैसा हर्ष जिनके अंदर प्रकट हो, परम सम्मद, आपकी स्मृति में यदि वो दिन हो जिस दिन अपन ने आत्मा का वर्णन सुना था कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में, सिद्ध समान आत्मा, ये जो चर्चा आई थी उस दिन यहां पर एक ब्रह्मचारी जी आए थे, प्राकृत पढ़ाते हैं वो, उनने उस उपदेश के पश्चात ये कहा था कि आज ये जो कुछ भी सुनने मिला है, मोक्ष के बाद अगर कोई सुख होता होगा वो मुझे मिल गया, बोले। यानी मोक्ष का सुख तो सर्वोत्कृष्ट है, उसके बाद अगर कोई दूसरे नंबर का कोई सुख होगा तो वो ये जिनवाणी के श्रवण से मुझे मिल गया। तो
तो कितनी बड़ी बात हो गई। इसका मतलब यह हुआ कि स्वर्ग के सुख और संसार के दूसरे जितने भी सुख हैं वो सब इसके सामने फीके हैं।